दिनांक 1 सितंबर 2020 को चंदन क्यारी के विधायक श्री अमर कुमार बावरी द्वारा दुमका से बोकारो जाने के क्रम में भाजपा वरिष्ठ नेता सह नगर पंचायत जामताड़ा के पूर्व अध्यक्ष श्री वीरेंद्र मंडल जी के आवास पर आकर जामताड़ा में भाजपा संगठन को लेकर चर्चा की गई। श्री अमर कुमार बावरी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 8 महीनों से हेमंत सरकार की विफलता के बारे में बात करते हुए कहा कि आज की वर्तमान सरकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र पर पूरी तरह निर्भर है। पिछले 8 महीनों से सरकार की खुद की एक भी योजना धरातल पर लागू नहीं हुई है। ऐसा पहली बार हुआ है जहां राज्य सरकार की ट्रेजरी 8 महीनों से बंद पड़ी है। श्री बावरी ने राज्य सरकार को विफल बताते हुए कहा कि जनता पूरी तरह से वर्तमान सरकार की नीति को समझ चुकी है एवं आने वाले दुमका उपचुनाव में सरकार को पटकनी देकर अपने साथ किए गए विश्वासघात का बदला लेगी। मौके पर उपस्थित भाजपा वरिष्ठ नेता श्री वीरेंद्र मंडल भाजपा विधायक श्री अमर कुमार बावरी जी का स्वागत करते हुए कहा कि इनके आने से जामताड़ा के कार्यकर्ताओं में नया हौसला एवं उमंग पैदा हुई है। श्री मंडल ने कहा कि हमें गर्व है ऐसे विधायक पर जो राज्य सरकार की परवाह किए बिना केंद्र सरकार योजना को सीधे जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। श्री मंडल ने कहा कि आज की जनता राज्य सरकार की विफलता को अच्छी तरह समझ चुकी है एवं आने वाले झारखंड उपचुनाव में इसका जवाब देने के लिए तैयार है। श्री मंडल ने कहा कि कोरोना काल से ही जहां राज्य सरकार चुप्पी साधे बैठी है, वहीं भाजपा का एक एक कार्यकर्ता समाज के प्रति अपना दायित्व निभाते हुए लोगों तक अपना सेवा पहुंचाने का काम कर रहा है। मौके पर जिला अध्यक्ष श्री सोमनाथ सिंह, एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री हितेश दास, सुकुमार, सुमित सरन, रंजीत प्रसाद यादव, अनूप पांडे, चंदन रावत, पिंटू गुप्ता सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। सरकार हेमंत सरकार लगातार विकास की बातें कर रही है, कितना संतुष्ट है इस सरकार के विकास से आप? विकास हास्यास्पद बात आप करते हैं, विकास और हेमंत सरकार दोनों तो परस्पर विरोधी दावे हैं। 8 महीने से इस भारतवर्ष का कोई भी राज्य का ट्रेजरी बंद है ऐसा कोई उदाहरण आपको मिलेगा? झारखंड में ट्रेजरी 8 महीने से बंद है, केंद्र की योजना छोड़ करके राज्य सरकार की एक भी योजना आप दिखा दे जो पूरे संकट काल में उन्होंने लॉन्च किया हो या काम चालू किया हो। उल्टे जितनी कार्य पहले की सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था वो सारे कार्यों को भी बंद कर दिया गया है, और बंद ही सिर्फ नहीं किया गया, जो काम पूर्ण कर लिए गए हैं उसके संवेदकों को पैसा तक नहीं दिया जा रहा है। विकास के दावे इनके मुँह से शोभा नहीं देता है, ये हास्यास्पद है। पूरे झारखंड प्रदेश में आपने देखा है कि किस तरह से इस कोरोना संकट में प्रधानमंत्री जी के तरफ से जो चावल है जो 1 रुपये किलो, जो गैस का रिफिलिंग है, या जनधन योजना में 500 रुपये का जो उसका घर खाते में आया हुआ पैसा है, ये योजना छोड़ करके इस राज्य की सरकार ने क्या दिया है? इस राज्य की सरकार ने बड़े बड़े दावे किए कि प्रवासी लोग यहाँ आएंगे तो हम उनको यहाँ पे मजदूरी देंगे, यहाँ पे उनको रोजगार देंगे। मजदूरी और रोजगार तो दूर, उनके स्किल मैपिंग का तो काम करना तो दूर, मनरेगा का दावा करता है, मनरेगा कर्मचारी हड़ताल पर है। विकास की बात करते हैं, क्या विकास है? एक भी उदाहरण आपकी नज़र में है जो हेमंत सरकार ने विकास की कोई कार्य किए हैं? कोई भी आधारशिला रखी है? जो पूर्ववर्ती सरकार ने किया है उसी का उद्घाटन किया और अपना जश लिया, इससे ज़्यादा इस सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। 8 साल में ये सरकार पूरी तरह से विफल है, जनता त्राहिमाम कर रही है, ये त्रासदी में झारखंड की जनता भगवान के भरोसे खड़ी है। ये सरकार ने ऐसा बना करके रखा है कि झारखंड की जनता 3.25 करोड़ जनता अपने किस्मत को कोस रही है। सरकार ने बस प्रारंभ किया, बस। धन्यवाद सर। धन्यवाद।